अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि जिस पर मुझे बहुत सारे पेशेंट रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मसनूई तरीके से जो दर्दें लगाई जाती हैं वो क्या हैं और किस तरह से डॉक्टर मसनूई तरीके से पेन्स लगवाते हैं, इसके बारे में आपको जो है वो अवेयरनेस देनी थी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है और आप नॉर्मल डिलीवरी की वो रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो अपने आप को 8th और 9th मंथ में थोड़ा सा एक्टिव करें। जितना आप एक्टिव होंगे उतना बेबी के हेड के इंगेज होने की जो शरह है वो ज़्यादा होती है। हम अपने पेशेंट्स को जो नॉर्मल डिलीवरी को की तरफ जाना चाहते हैं, हम तो हर पेशेंट को इनक्रेज करते हैं, तो उनको बता देते हैं कि 8th 9th मंथ के अंदर जो है वो आपने रात को सोने से पहले आपने वॉक करनी है, 15 से 20 मिनट वॉक करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 45 मिनट्स तक ले जाएँ। इससे क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से आपका हेड जो है वो बेबी का हेड पेल्विस के अंदर सेटल होने लग जाता है और मसनूई दर्दों की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अब मसनूई पेन्स आपने किस सूरत में लगवानी होती हैं, या तो आपके 40 वीक्स पूरे हो गए हैं और आपको खुद से पेन्स नहीं आ रही, नंबर दो कि आपके जो ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है और वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गए हैं, उस सूरत में आपके डॉक्टर आपको 38 वीक्स के ऊपर या 39 वीक्स के ऊपर या इवन इससे पहले भी आर्टिफिशियल पेन्स लगवा के नॉर्मल डिलीवरी की मशवरा दे सकती हैं। नंबर तीन, आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी अभी आपके 38 वीक्स हुए हैं, 39 वीक्स हुए हैं और बच्चे का वेट 3.5 kg को क्रॉस कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको मशवरा दे देते हैं कि आप इंडक्शन ऑफ लेबर ले लें बजाय इसके कि आप नेचुरल वे इंतज़ार करते रहें और बच्चे का वेट भी ग्रेजुअली बढ़ता रहे और एंड पे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही कम हो जाएं। कुछ केसेस के अंदर जिनके बच्चे के गिर्द पानी कम हो जाए तो उनको भी वो पानी बिल्कुल ड्राई ना हो, AFI जो है वो कम से कम 5 होना चाहिए, उस सूरत में भी हम पेशेंट्स को जब 38 वीक्स के ऊपर कह देते हैं कि आप पेन्स लगवा लें, क्योंकि 38 वीक वो टाइम होता है जबकि बच्चे की सारे अज़ा पूरे हो गए होते हैं और अब जो है वो डिलीवरी अगर करते भी हैं तो बच्चा बिल्कुल सेफ होता है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो वो वजूहात थी जिसमें कि आर्टिफिशियल पेन्स की ज़रूरत आ सकती है और इसमें वो मरीज़ भी शामिल हैं जिन्होंने 40 वीक्स तक इंतज़ार किया कुदरती दर्दों का लेकिन नहीं आई, तो जाहिर है कि अब 9 महीने पूरे हो गए हैं, बच्चा पेट में अब डिलीवर होना है, तो उनको भी आर्टिफिशियल पेन्स का सहारा लेना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं आर्टिफिशियल पेन्स के। तो सबसे पहली बात, इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है मैकेनिकल वे और दूसरा है केमिकल वे। मैकेनिकल वे के अंदर बहुत सारे तरीके आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक तरीका है मेम्ब्रेन स्वीप का। इसमें आपकी डॉक्टर आपको लास्ट वीक में यानी 39 से 40 वीक तक डेली बेसिस पे आपका मेम्ब्रेन स्वीप करती है, यानी सर्विक्स के अंदर जो आपके बच्चे की है मेम्ब्रेन्स अटैच हैं सर्विक्स के साथ, उनको सेपरेट करने की कोशिश करती है जिससे नेचुरली आपको फिर पेन्स आ जाती हैं। इसी तरह से एक बहुत ही ओल्ड मेथड है जिसके अंदर बैलून कैथेटर जो है वो सर्विक्स के अंदर पास कर दिया जाता है और उस बैलून के अंदर जो है वो वाटर फिल कर दिया जाता है, वो उसकी इरिटेशन की वजह से जो है वो पेन्स आने शुरू हो जाती हैं। ये यूजुअली हम उन केसेस के अंदर देते हैं जिनका हमें दर्दें जो है वो किसी ऐसी वजह से 5वें 6वें महीने में लगाने लग पड़ जरूरत पड़ गई है और उनके पहले ऑपरेट हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक अबनॉर्मल बच्चे के लिए ऑपरेट ना करें या बच्चा पेट में फौत हो गया तो बजाय इसके कि हम इसका ऑपरेट करें और उसके हाथ में भी कुछ ना आए तो हम उसका सहारा ले सकते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसको ARM कहते हैं, आपकी डॉक्टर आपके जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको आर्टिफिशियली रप्चर कर सकती हैं ताकि आपको प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो और आपको जो है वो पेन्स आ जाए। ये जो तरीके हैं ये बिट स्लोअर हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम चूँकि अब बहुत ही इससे सेफ़ मेडिसिन आ गई हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं, इन तरीकों को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। ये पुराने ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और आजकल के टाइम में भी दाइयाँ यूजली ये काम ये यूज़ करती हैं तरीक़ेकार, लेकिन जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इनको इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अब अगर हम मेडिसिन के आएँ तो मेडिसिन 2-3 तरीके की हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपके
वजाइनली आपको प्लेस कर सकते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिंस या प्रोस्टिन्स होती हैं, ये नेचुरली वही हार्मोन होता है जो कि लेबर के टाइम पे स्टार्ट होने के टाइम की आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी को ही लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और ये टैबलेट की फॉर्म में आता है या जेल की फॉर्म में भी आता है। तो वो आप डॉक्टर आपको आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के बाद सब कुछ आपका अगर नॉर्मल होता है तो उसके बाद जो है वो आपकी ये टैबलेट या मेडिसिन प्लेस कर देते हैं। और ये इससे जैसे ही आपकी लोकल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अब्जॉर्ब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको पेंस आने लग जाती हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ड्रिप सिंटोसिनोन, एक इंजेक्शन होता है वो ड्रिप के अंदर डाल के उसकी मुख्तलिफ डोज के ऊपर आपको एडजस्ट कर दिया जाता है। उससे भी क्या होता है कि आपको आर्टिफिशियली पेंस जो हैं वो आने लग जाती हैं। और अगर अभी आपको पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस ड्रिप को बंद कर दिया जाता है ताकि जो है वो आपकी जो पेन की शिद्दत है उसको कम कर दिया जाए। इसी तरह से एक और मेडिसिन होती है मायसोप्रोस्टोल के नाम से, वो मेडिसिन जो होती है वो मोस्टली हम उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके बच्चे की पेट में डेथ हो गई होती है, यानी IUDs इंट्रायूट्राइन डेथ जिन बच्चों की हो जाती है उनकी डिलीवरी के लिए वो ज़्यादा अफेक्टिव हैं। जो ज़िंदा बच्चा होता है उसके लिए बहुत कम ही अब ये मेडिसिन यूज़ होती है क्योंकि इसमें कंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ज़िंदा बच्चे की हार्ट बीट के ख़राब होने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल सिर्फ IUD बच्चों के लिए ही अब हो रहा है, ज़िंदा बच्चों के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये तो थे कुछ मस्नूई तरीक़ाकार। ये वीडियो बनाने का ये कतन मकसद नहीं है कि आप घर में ख़ुद को इन मेडिसिन से जो है वो पेन्स इंड्यूस करने की कोशिश कर दें क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अवेलेबल भी नहीं होती हैं और इनका जो है वो यूज़ करना घर में बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस भी बन सकता है। अब हमने ये देखना है कि आर्टिफिशियल जो पेन्स होती हैं इसका नेचुरल पेन्स की निस्बत क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। आर्टिफिशियल पेन्स जो होती हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी डिलीवरी को प्लान कर सकते हैं क्योंकि लेबर का कोई टाइम नहीं होता। बाज़ मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बात का बहुत खौफ है कि हमें पेन्स अगर रात को आई तो हम क्या करेंगे। तो इसमें एक फ़ायदा तो यह है कि आप अपनी डिलीवरी को प्लान कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि नुकसान इसका ये होता है कि आर्टिफिशियल पेन जो होती हैं वो स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और बाज़ अवकात फिर पेशेंट का पेन का थ्रेशहोल्ड जब अचीव हो जाता है तो हमें मोस्टली एपिड्यूरल की तरफ जाना पड़ सकता है क्योंकि ज़ाहिर है नेचुरल पेन स्टार्ट में बहुत हल्की होती है और बिल्कुल एंड के जो एक दो तीन घंटे होती हैं उसमें उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इतना को पेशेंट बियर कर लेते हैं। तो जो आर्टिफिशियल पेन्स होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बाज़ अवक़ात इवन बच्चे की हार्ट बीट भी ख़राब होने लग जाती है तो फिर हमें उसके लिए जो है वो जाना पड़ जाता है, उसके ऊपर जो एपिड्यूरल के ऊपर जाना पड़ सकता है। और वैसे भी आर्टिफिशियल पेन्स के अंदर ये देखा गया है कि बच्चे की हार्ट बीट के ख़राब होने की जो शरह है वो नेचुरल लेबर की निस्बत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा है। तो लिहाजा जब भी हम आर्टिफिशियल पेन्स आपको इंड्यूस करवाते हैं तो हम आपको लेबर रूम में एडमिट करते हैं और कॉन्टीन्यूसली आपके बेबी का हार्ट बीट का जो पैटर्न होता है वो एक मशीन जिसको इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग या कार्डियोटोकोग्राफ कहते हैं उसके ऊपर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ही आपके बेबी की हार्ट बीट ख़राब होती है तो वो मशीन हमें इंडिकेट कर देती है और ताकि हम फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो भी स्टेप लेना होता है वो हम ले लेते हैं। उस स्टेप का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन आपका सी सेक्शन हो जाए, बाद उसका ड्रिप लगाई जा सकती है, माँ को ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। अगर डिहाइड्रेशन पूरी करने से, ड्रिप लगाने से और ऑक्सीजन से बाज़ अवकात बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बहरहाल उसमें बच्चे की हार्ट बीट का कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ आर्टिफिशियल पेन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं, इसको लाइक करते हैं और ये वीडियोस मैं अपने टफ़ शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बना रही होती हूँ। बाज़ मेरा जो है वो मैं अपनी टीम से भी ये कह रही होती हूँ कि नहीं अब नहीं बनाना, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी ऐसी ही हौसला अफजाई होती रहे और मैं अपनी वीडियोज़ जो है वो इसको कंटिन्यू रखूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह।